जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चेयरमैन प्रधानाचार्य को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चेयरमैन प्रधानाचार्य को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पोती बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीपा पोती बंद करो, बंद करो, बंद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, उसमें आओ, उसमें आओ। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। चेयरमैन प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अध्यापक पुतला फूका है, उसमें पुतला में संभी विद्यालय के जो चेयरमैन व प्रधानाचार्य जो जिनके षड्यंत्र द्वारा विद्यालय का एक बच्चा भी इधर से उधर नहीं हो सकता है और उनके नज़र में एक बच्ची का 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह से घटना हुआ जिससे काशी के गरिमा दम धूमिल हो गई है। काशी की जनता में अंदर आक्रोश है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र, प्रधानमंत्री के क्षेत्र को अपमानित करने का षड्यंत्र किया गया, ऐसे विद्यालय को जो काशी की गरिमा और प्रधानमंत्री के क्षेत्र को खराब करने का षड्यंत्र किया गया है, ऐसे व्यक्ति तो पहले तो उसको जेल के अंदर है, पहले तो जाँच बात तो बात की बात है, पहले तो इसके अंदर है ना, क्योंकि इसके पास पैसा है, बल है, ताकत है, उस बल के ताकत के बल पर वो अपने आप को अपनी उपस्थिति बनाएगा। आजकल कुछ पेपरों में प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यालय का नाम दिया जाता है, पूरे विद्यालयों का नाम नहीं दिया जाता, ये बड़ा कष्ट की बात है। वो प्रतिष्ठित विद्यालय अब नहीं रह गया है, वो गलत विद्यालय है जिसमें शिक्षा गलत तरीके से दिया गया है और बच्चों का जो लड़की के साथ हुआ है वो तो जीवन भर जब तक जीवित रहेगी वो घटना हमेशा उसके दिमाग में बसा है, वो हमेशा आज रोज मरती है। ऐसे जो व्यक्ति जो उन्होंने किया है, इस व्यक्ति को तुरंत उस पर मुकदमा कायम, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमा हुआ ये दोनों के ऊपर मुकदमा है, तभी काशी की जनता को राहत मिलेगी। जिला मुख्यालय फूका, जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से और प्रधानमंत्री के माध्यम, मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। यदि नहीं हुआ तो शिवसैनिक उसी लहतारा विद्यालय में आत्मदाह करेंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और विद्यालय प्रशासन का होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।